हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका। यहाँ तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका वो आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं। नमामि हे शांताकारम। नारायण नारायण। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पति देव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवऋषि? हाँ देवी, इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देव माता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर? देव माता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है, जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी, अपने पति के प्रेम भरे आंचल की छाया में ही उसका अंत होगा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि ऐसे महान व्रत के लिए पारिजात की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत पारिजात की छाया में ही सिद्ध होता है। तब उन्होंने देवराज इंद्र को डांट कर पूछा कि जब आज देवी सत्यभामा उस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, वही सत्यभामा जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर? नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। फिर देवलोक की मर्यादा कैसे रहेगी? परंतु देवी सत्यभामा, जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका। यहाँ तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका वो आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, नहीं तो वे ये काम किसी और के कहने से कभी नहीं करते। क्या देवी रुक्मणी उनसे ये मांग करती तो भी वो पारिजात का वृक्ष न लाते? देवी रुक्मणी कभी ऐसी अनहोनी मांग करने का साहस ही नहीं करती। ये जो आपने उनके एक फूल के बदले सारा पारिजात का वृक्ष ही मांग लिया, ये तो केवल आप ही की हिम्मत थी देवी। सच कहा देवर्षि, इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये तो आत्मविश्वास की बात है। अवश्य देवी अवश्य, हर बड़े काम के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है, परंतु ये आत्मविश्वास है बड़ी खतरनाक वस्तु। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा ही बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य
जिसे अपना आत्मविश्वास समझता है वह वास्तव में उसका अहंकार ही होता है। परंतु ये सब तो आप अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए आपको समझाने की क्या आवश्यकता है। अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर, उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। लो देवी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। देवलोक से आपके लिए पारिजात का एक पूरा वृक्ष उठा लाए हैं। आपके आने से पहले ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी, देवर्षि नारद आए थे। तब तो आपको सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा। अब हमें बताने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं आपकी विजय से अति प्रसन्न हूँ। हमारी विजय की प्रसन्नता है या अपनी विजय की? हाँ, आप ठीक ही कहते हैं, ये सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूँ। अब देखना, अब सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ये मेरी विजय है, पूर्ण विजय। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब इस बात की भी चिंता नहीं कि पारिजात का वृक्ष कुछ समय ही मेरे पास रहेगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप चाहें तो पारिजात का वृक्ष कल ही वापस दे दे। देवी, ऐसा अनर्थ ना करना, जग हसाई होगी। ये पारिजात का वृक्ष तुम्हारे पुण्यक व्रत के लिए प्रदान किया गया है। व्रत किए बिना उसे लौटा दोगी तो लोग हम दोनों पर हंसेंगे। सब ये कहेंगे कि सत्यभामा कृष्ण को कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों पर नचा रही है। और कठपुतली नहीं कहेंगे तो दास भी कह सकते हैं। आपको कोई मेरा दास कहे, ये सुनने से पहले तो अच्छा होगा कि मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। ये जीत मेरी नहीं, मेरे प्यार की है। और प्यार की इसी जीत पर मैं गर्व और अहंकार के साथ सिर ऊंचा करके सबके सामने खड़ी रहना चाहती हूँ, बस। परंतु? परंतु क्या? लोग वो जो कहा करते हैं कि प्रेम में देना ही होता है, लेना कुछ नहीं, समर्पण में अधिकार कैसा और प्यार में गर्व कैसा, दर्प कैसा, अहंकार कैसा, ये सब धारणाएं तो गलत ही होंगी ना? बिल्कुल गलत। ऐसी बातें तो वही किया करते हैं जिन्होंने कभी प्यार ना किया हो। वो प्यार के गर्व को क्या जाने। आपके बारे में भी तो यही सुनती हूँ ना कि आपको किसी का मोह नहीं, किसी से प्यार नहीं। इसीलिए आपको भी ये बात कैसे समझ में आएगी कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होता है। तुमने बिल्कुल सच कहा सत्यभामा। अब मुझे पता चला कि प्रेम में अहंकार के आनंद की बातें क्यों मुझे समझ में नहीं आती। तो ही अज्ञानी महाराज, प्यार करना सीखिए, देखिए मेरी ओर। अब तो तुम्हें अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन आरंभ करना चाहिए। तुम्हारे प्रेम की इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना? वही तो मैं कर रही हूँ कि मेरे पुण्यक व्रत का अनुष्ठान ऐसा होगा जैसा आज तक किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। उसके लिए मैंने स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि वही मेरे इस व्रत का पूर्ण विधि के साथ आयोजन करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ। बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो तो समस्त विधियों के ज्ञाता हैं, परंतु जैसा वो कहें वैसा ही करना, अन्यथा वो ऋषि बड़ा मनमौजी है, बीच में ही छोड़कर चल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभारंभ कैसा होता है। आपका संकल्प सफल हो, तथास्तु।